वालेकुम राइज एंड शाइन पाकिस्तान, जा रहे हैं आज बिहार शरीफ और गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही है, ब्लॉग भी इतना हिल रहा है। सो बिहार शरीफ जा रहे हैं फाइनली। आज मेरी एक और विश पूरी होगी, मुझे हमेशा डेरे में बैठ के लंगर खाने का शौक था, आज मैं डेरे में बैठ के लंगर खाऊंगी। रास्ता गुजारते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात वो दिखाते हैं, डायरेक्ट बुरहान शरीफ पहुँचते हैं। फिर ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पता नहीं भाई किसकी बारात जा रही है, बारात तब जलसा ज़्यादा लग रहा है, जो भी है बस हो रहा है। आए हाय आए हाय, ये वाली गाड़ियाँ थी बोल, और भैंस भी थी बीच में। तो अब हम बुरहान शरीफ की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से आगे आई थिंक सो 2 या 3 किलोमीटर दूर है हमारी मंजिल और हम डेरे पे जाएंगे। बस हम तकरीबन पहुँच चुके हैं और इतने प्यारा एरिया है इधर, साथ इतनी फसलें हैं, कुछ तैयार हैं कुछ नहीं तैयार। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सेकेंड ईयर में हमने चैप्टर पढ़ा था ना ट्रक कार्ट, अब लोगों को शायद नजर आए इस ट्रक कार्ट की, मैं भी बैठूंगी ट्रक पे एक दिन। और साथ साथ घर है, बीच में घर आ जाते हैं, बीच में खेत आ जाते हैं, छोटे छोटे एरिया सो क्यूट। फसल की कटाइयाँ साथ ही गंद आए आए गंद, साथ कटी हुई फसलें और ये हम खाते हैं आए आए मजे, और ये चक्की में पिसता है और भी में थोड़े थोड़े शॉपर भी आ जाते हैं, फिर तो कहते हैं शॉपर हो। बस तकरीबन हम डेरे की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और इतना कुछ बिल्कुल ही अलग सा माहौल है ना, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सरा सी जगह है और कभी एकदम ग्रीनरी सी, और वाह डेरा रास्ता खराब है, आई थिंक सो ये वाइट वाला है डेरा, सो ब्यूटीफुल। फाइनली हमारे भी कदम लिखे गए थे, मुझे इतना शौक था ना आने का, सही और हम पहुंच गए हैं, दैट्स डेरा आई थिंक सो, और आई थिंक सो और भी बहुत सारे होंगे। जी पार्किंग है बाबा, हम किधर जा रहे हैं, मतलब हम डेरे भी नहीं जाएंगे, आप डेरे पे जाओगे। अच्छा कितना प्यार है बाबा जान, बाहर से कैसा था से कितना प्यार है, ये क्या है बाबा इधर सुपर, दैट्स मस्जिद, दैट्स सो ब्यूटीफुल, कंप्लीटली डिफरेंट सी दुनिया है। एंड यहाँ पे अभी हम जाके उनका घर है इस तरफ लंगर है आपका। अच्छा अभी हम जा रहे हैं ऊपर हाजिरी करने, ऊपर हमारे बड़े पीर हैं उधर जाते हैं, सो दुआ करते हैं मज़ार है, यस और अल्लाह करे हम सबको हदायत मिले, आप सबकी भी दुआएं पूरी हों और हमारी भी। सो ब्यूटीफुल, हो गया आई थिंक सो हाजरी, इट्स माय टर्न। हम हाजरी करके आ चुके और वो इतना सामने खूबसूरत लिखा हुआ घास से अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये दो गायें बकरी आई थिंक कि आपको सही नज़र आ रहा होगा, आई डोंट नो बट लिखा हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नाम। अब हम जा रहे हैं अपने घर, क्या हुआ क्या बाबा तो घर कह रहे थे, यहाँ पर हम लोग का लंगर होगा। यस पाकिस्तानी आवाम में खाना छोड़ती नहीं है, बट ये खाना नहीं है ऑर्डिनरी, ये एक लंगर है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, गर्मी है लेकिन बहुत 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 पुरसकून, कितना ज़्यादा, और अंदर जो खुशबू थी ना वो मैं बता भी नहीं सकती आपको, जो फीलिंग और जो खुशबू थी अंदर, सो ब्यूटीफुल सो सुकून दे। इस जगह से ये देखें, ये जो ब्राउन खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, क्या लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उधर अंदर है मज़ार, और यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ खाने की तलाश। उफ इतना सख्त गर्म है, नंगे पाँव जा रहे हैं हम लोग फिलहाल, और यहाँ पे औरतों की बैठने की जगह है और यहाँ पे वजू करने की जगह भी है, सो अल्लाह मैं शू हूँ भैया, हम यहाँ पे बैठे हुए थे और लंगर का वेट कर रहे थे और हमारा लंगर आ गया।
यहाँ हाजिरी होगी, सब कुछ हो गया, नाउ वी आर गोइंग बैक। अफसोस के साथ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज कुआं, सामने कुआं था इधर, और बाबा बताए थे इधर मोर होते थे पहले। दिस इज कुआं, ये पहले क्या, ये अभी भी कुआं ही है। सी अंदर से दिखाओ, बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा है, इसमें तो नज़र भी नहीं आ रहा कितना ज़्यादा गहरा है, बट बहुत गहरा है, वो नज़र आ नहीं आ रहा नज़र, बट बहुत गहरा है। हमें कुएं में सीढ़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी, और बाबा हमें दिखाने लाए कि ये रास्ता कुएं में जाता है, ये अंदर रास्ता जो नज़र नहीं आ रहा इधर भी अंधेरा है। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल, प्यारी है ये जगह। यस, गाय और ये सब चीज़ें, गाय इधर बहुत ज़्यादा है। हाँ, गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। अब सफ़र का बेस्ट पार्ट शुरू हुआ जाता है, यानी कि खाने पीने का पार्ट, और ये तो सबसे मस्त 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 बेब। हाँ, और बाबा और खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। आ गई है चाय, इस चाय के साथ ना दुनिया की कोई फाइव स्टार का होटल मुकाबला नहीं कर सकती। रास्ते की दुकान सिर्फ यही चाय उतार सकती है, हैशटैग ढाबा स्पेशल चर्सी चाय। इस वक्त हम एबटाबाद की मशहूर तरीन मस्जिद यानी अलियाती मस्जिद के पास हैं। दिस इज़ द मॉस्क, ब्यूटीफुल, और यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस है पकौड़े, और इतनी बहुत ज़्यादा इधर रश होती है। रश वाली जगह क्रॉस हो चुकी है हमारी, और अभी भी स्टिल ये एक दुकान है जिस पर काफ़ी हद तक रश है। तो बस अभी हमने भी यहाँ से ले लिया अपने लिए खाना, और अब बैक टू होम। काफ़ी लंबा दिन था, मुझे तो मज़ा आया, लेकिन ब्लॉग में आई डोंट थिंक सो कि कुछ रात में मज़ा आया होगा। लेकिन जिधर आज मैं गई हूँ वो बेस्ट जगह थी, बहुत मतलब कुछ अजीब सा सुकून और अजीब सी कैफियत थी। तो यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं घर जाती हूँ। तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।